भाई चाबी खो चुकी है बाइक की और बहुत देर से मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही है। अभी आगे कैसे जाऊँ, फंस गया हूँ यहाँ पे। नॉर्मल बाइक का हो जाता है लेकिन रॉयल इनफील्ड का मुश्किल है। चाबी बनाने वाला ढूंढो। अब इस पूरे शहर में मैं कहाँ ढूंढूं चाबी बनाने वाला। अपनी कहानी तो बहुत खराब होती जा रही है, यहाँ से मनाली दूर पे दूर हो जा रही है। गुरुद्वारे भी मैं जाया, गुरुद्वारे वाले बोलते कि जो फेरी वाले आते हैं वो कहता है ही नहीं, सारे घर गए हुए हैं। इस बेस से साइड वाला लोग खुले ना खुले ये श्योर नहीं है। ये वाली जो अपने की है ये बन रही है अभी। खोदा पहाड़ निकले चूहिया। अब इस पॉकेट में जो भी सामान डाल रहा हूँ ना, इसमें है इतना बड़ा छेद। इससे बुरा दिन जिंदगी में कभी को ना कुछ आया। ओ माय गॉड, आज मनाली होता इतना परेशान नहीं होता, बसों में धक्के नहीं खाने पड़ते। या यहाँ की लड़की से शादी कर। और रास्ता बहुत खतरनाक है। और बाबा बहुत ही, इधर ये शहर है, इधर भी नहीं बाइक है। यहाँ से तो छोटी रोड इतनी है कि मोड़ना भी मुश्किल है। अपने चढ़ गए जी पहाड़ के बिल्कुल ऊपर। यह है सुंदर नगर। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी जस्ट उठा हूँ। टाइम हो रहा है 9 बज चुके हैं अभी। तो आज अच्छी नींद आ गई है, 6:30 घंटे की। अभी सामान बहुत बिखरा हुआ है, पहले फ्रेश एंड अप होंगे, फिर रेडी वेडी होंगे और जाएंगे, फिर आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे मनाली की। और आपको दिखाता हूँ सामान कैसे बिखरा हुआ है, पैक किया हुआ था आपको, रोज दिखाता ही हूँ, बिखरा हुआ देखिए आप। ये मैं अपना स्लीपिंग बैग साथ कैरी किया, ये ही ओढ़ता हूँ। ये मेरे प्लग्स, इनको साफ करके रेगुलर साफ करना पड़ता है, मिट्टी से भर जाते हैं। ये पैंट अलग से, इसमें रहा मैं पानी गर्म करके पीता हूँ। और देख सकते हैं आप कितना बिखरा पड़ा सामान। पतंजलि का मिल्क और इससे मैंने अभी देखिए दूध बनाया है। और ये रही कॉफ़ी और इसमें है चीनी। थोड़ी सी कॉफ़ी बनाते हैं आज घर पे और यहाँ से ही पी के निकलेंगे। ये बिस्किट है, खा के निकलेंगे, हल्का ब्रेकफास्ट और रास्ते में लंच करेंगे। हल्का सा ब्रेकफास्ट सिर रेडी, अभी ये करते हैं फिर चलते हैं बाहर। गाइस चाबी खो चुकी है बाइक की और बहुत देर से मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही है। ये बहुत बड़ा स्ट्रेस हो गया, सारे बैग खोल खोल के पैक कर दिए दोबारा, पता नहीं कहाँ खो गई यार। सवेरे मैं ना रात बाइक नीचे पार्क करके आया था, उसके बाद से यार पता नहीं बाहर गिर गई, जल्दबाजी में थका हुआ था तो ध्यान नहीं दिया। अभी सबसे बड़ी मुसीबत ये हो गई है कि बाइक बाहर कैसे निकालें, यहाँ कोई चाबी वाला ढूंढना पड़ेगा, कोई एक बार टेम्प्रेरी चाबी बनानी पड़ेगी बाइक की। तो जी भैया अभी अपने सुंदर नगर में है और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि मेरी चाबी खो गई है बाइक की, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। अभी आगे कैसे जाऊँ, फंस गया हूँ यहाँ पे। और आसपास रॉयल इनफील्ड का शोरूम भी नहीं है, एक है वो 30-40 किलोमीटर दूर है, वो कुछ ज़्यादा ही पैसे मांग रहा है। सुंदर नगर बहुत ही सुंदर है, वो कहता 500 मीटर की दूरी पे यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्टोर है, वहाँ आप जाओ, शायद उनके पास कोई ना कोई सोल्यूशन होगा आपके लिए। लेकिन चलते हुए काफ़ी देर हो गई, मुझे लगता है मैं 1 किलोमीटर चल गया हूँ। जो अपने को स्टोर बताई थी वहाँ भी अपना काम नहीं बना, ये बोलते गाड़ी लॉक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम उसको कर देते हैं, कहता उसको ओपन करना और बहुत डिफिकल्ट है, कहता नॉर्मल बाइक का हो जाता है लेकिन रॉयल इनफील्ड का मुश्किल है, कहता भैया। अभी इन्होंने एक सोल्यूशन बताया है, वो है कि चाबी बनाने वाला ढूंढो। अब इस पूरे शहर में मैं कहाँ ढूंढूं चाबी बनाने वाला, कहते साइकिल पे वो घूम रहे होते हैं पूरे शहर में, अब मैं तो कहाँ ढूंढूंगा यार ऐसे पैदल घूमता घूमता। तो इन्होंने एक सोल्यूशन बताया कि यहाँ गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में उनके नंबर मिल सकते हैं, तो अभी अपने को यहाँ से गुरुद्वारा जाना है। ये कहते पैदल तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप कोई ऑटो या कोई व्हीकल या किसी लिफ्ट लेके चलो जी। ये भी एक अलग लेवल का एडवेंचर है, करते हैं यार, बड़े परेशान हो गए चाबी के चक्कर में। अपनी कहानी तो बहुत ख़राब होती जा रही है, यहाँ से मनाली दूर पे दूर हो जा रही है, चाबी वाला सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और यहाँ से अभी अपने ऑटो देख रहे हैं, एक सिंगल ऑटो ही नहीं आ रहा यहाँ से, कहते गुरुद्वारा काफ़ी दूर है, तो वहाँ जाके अपने को सिर्फ नंबर मिलेगा, बंदा नहीं मिलेगा। और नंबर मिलेगा तो बात करके देखते हैं आगे क्या सोल्यूशन होता है, कड़ी से कड़ी जोड़ के देखते हैं, शायद काम बन जाए, नहीं बना देन परेशान तो फिर अपने हो ही रहे हैं और हो जाएंगे थोड़ा सा। और मनाली हो सकता है फिर आपने आज ना जा पाए, आज फिर से अपने को सुंदर नगर रहना पड़ेगा। या ऑटो पे मिला है, यहाँ से अपने जा रहे हैं गुरुद्वारा, वहाँ जाके अपने को शायद चाबी वाले का नंबर मिल जाए। गुरुद्वारे भी मैं जाया, गुरुद्वारे वाले बोलते कि जो फेरी वाले आते हैं वो कहता है ही नहीं, सारे घर गए हुए हैं। तो बहुत ही बुरा दिन चढ़ा है आज का अपना, देखते हैं कोई सोल्यूशन होता है। एक पॉजिटिव हो चुकी है अभी, भैया जी चल रहे हैं अपने साथ में आके बाइक लेके, अपने देखते हैं वहाँ जाके अगर कोई जुगाड़ हो पाता तो ये कई सारी चाबियाँ लेके अपने साथ जा रहे हैं। अगर कोई लॉक वगैरह का कोई हो जाता है जुगाड़ देन ठीक है, नहीं तो लॉक खोलने की कोशिश करेंगे।
आपने बहुत हेल्प की है। देखिए लॉक खोल कर लाए अपने बाइक का, क्योंकि लॉक तो टूट नहीं सकता और तोड़ने में फायदा भी नहीं है। मैं सुबह से बहुत घुमा हूँ यार, जब से उठ के रेडी हुआ ना तब से पहले तो 3-4 बार बैग चेक कर लिए, कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। उसके बाद में इधर उधर मिस्त्री पूछे, पहले कहते कोई सरदार जी आते हैं चाबी बनाने वाले, तो उन कहते उनको ढूंढो, उनको ढूंढने के लिए मैं ऑटो पे निकला और फिर आगे जाके पता चला कि अपने को गुरुद्वारे में यहाँ पे वो है, तो वहाँ पे गुरुद्वारे में उनका नंबर मिल सकता है, तो हम गुरुद्वारा गए, वहाँ जाके भी नंबर नहीं मिला। फिर आगे कोई शॉप पे गए, वहाँ पे भी कोई हेल्प नहीं हुई, 1-2-4-5 दुकानों में घूम लिया, फिर आखिरकार इनके पास आया और इनने अपनी अच्छी हेल्प की है। वहाँ जाके अभी अपने जहाँ बाइक खड़ी है, एक इसका लॉक खुल सकता था तो एक लॉक खोल के लाए हैं, फ्रंट जो मेन लॉक है वो खोला है, और इससे क्या है इसके बेस पे अभी ये चाबी बन जाएगी। तो फिर देखते हैं, यहाँ से गुटकर मंडी है करीब 20-25 किलोमीटर, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके चाबी वगैरह बनवाते हैं। ठीक है, अभी अपने जा रहे हैं गुटकर, ये इसकी चाबी बनवाने के लिए, स्ट्रगलिंग टाइम। बस से आए थे अपने अभी जस्ट, और ये कोई जगह है, देखिए व्यू तो बहुत ही प्यारा है यहाँ का, और ये अपनी प्रॉब्लम अपने साथ है। आज मैं यही सुंदरनगर ही दोबारा रुकना पड़ेगा अपने को, यहाँ से कोई 100 मीटर की दूरी पे है शायद ये की बनाने वाला, और यार गूगल मैप धोखा ना दे और यहीं मिल जाए अपने को शॉप तो सबसे बढ़िया है। अपने ये काम करा के वापस, इस बस ने मेरे को 18-20 किलोमीटर था जहाँ से मैं मतलब चढ़ा था इस बस पे, और इस ये बस मेरे को करीब करीब 1.25 घंटे में यहाँ लेके आई है, बहुत टाइम लिया भैया, बहुत रुकती हुई आई है। तो आज का दिन ऑलमोस्ट निकल सा ही गया, अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज चुके हैं, तो जब तक मैं घर जाऊंगा और बाइक को तैयार करूंगा 4:30-5 बज जाएंगे। मुझे नहीं लगता है आज ट्रेवल करना सही रहेगा। यही रोड आगे मनाली की तरफ जाती है, आगे मनाली आ जाएगा, इसी रोड पे ही है, लेकिन पहले अपने जो समस्या साथ लेके घूम रहे हैं इसको सॉल्व करते हैं। इनफील्ड का ये है फ्रंट लॉक जो स्टेयरिंग का होता है, इसमें कहते हैं लीवर कम होते हैं और जो साइड में लॉक लगता है उसमें लीवर ज्यादा होते हैं। अब ये लीवर क्या होता है ये मेरे को आज पता चला, तो इससे कहते हैं इस बेस से साइड वाला लॉक खुले ना खुले ये श्योर नहीं है। बाकी मैं पहुंच गया हूँ गुटकर में, ये जगह है यहाँ पे, और यहाँ से थोड़ा सा आगे मंडी है, और देखते हैं अभी जिस तरीके से जो भी जुगाड़ होता है करते हैं। अपनी किस्मत में प्रॉब्लम लिखी है तो वो तो आएगी आएगी, और बाकी अगर सॉल्यूशन हो गया तो बढ़िया है। ये वाली जो अपनी की है ये बन रही है अभी, लॉक सिस्टम है इसके, और शॉप आप देख सकते हैं, ये देखिए मशीनों के द्वारा भी चाबियां बनाई जाती है, और अंकल जी बड़ा ही तसल्ली बख्श काम करते हैं। मैंने अब तक 4-5 ग्राहक कस्टमर देख लिए, बहुत ही एक स्मार्ट तरीके से अटेंडिंग एंड ऑल, और अपनी की जब तैयार हो रही है, सिर्फ हैंडल लॉक का चांसेस नहीं था, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि चांसेस बन गए, पूरे चांसेस बन गए हैं कि अभी ये चाबी पूरा काम करेगी। आज का तो अपना ट्रेवल अभी रुक गया है, मे बी अभी निकल ही निकलेंगे, लेकिन कीज वाला काम हो गया अपना, लगने लगी सर। अच्छा ये लग जाएगी। अच्छा ठीक है सर, 99 हो गए, 99 ओके, 99 हमारा 100 ही है। 99 हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वी आर नॉट गॉड, गॉड हो गया फिर 100% बोलना गॉड, तो 99 का मतलब 100 ही होता है, लेकिन बोला 99 जाता है। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। तो अगर आपको, आप मनाली वाले रूट पे जा रहे हो और चाबी का इश्यू आ जाए, तो ये देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, विस्को रिजोर्ट करके नाम की जगह है, इसके बिल्कुल सामने ये की सर्विस की शॉप आपको मिल जाएगी। किसी भी चीज़ की अगर आपको की बनानी हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे मेरे को एक दिन एक्स्ट्रा सुंदरनगर रुकना पड़ गया, लेकिन मेरे जैसी प्रॉब्लम किसी और को ना आए तो आप यहाँ पे आ सकते हो, कीज का काम करवा सकते हो अपनी। दो की बना दिया सर ने, रेडी कर दिया, सर का बहुत बहुत थैंक यू, बाकी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा बता दो सर आपका एक्सपीरियंस। नहीं इसमें हो गए 15-20 साल हो गए काम करते हैं। अच्छा 20 साल हो गए। अच्छा ठीक है, आपने किस क्या कर रखा है वैसे पढ़ाई में? वाकई में बहुत तगड़े इंजीनियर है, ये तो देख ही लिया हमने, मेरे जैसे बहुत पेशेंट आए थे, सबका इलाज हो चुका है। वाकई इनके पास ना इतने गैजेट मैंने कहीं नहीं देखे भाई, किसी भी स्टोर में चाबी वाले के पास में इतनी चीजें नहीं होती जितनी इनके पास है सर। बहुत यहाँ से चढ़े थे वहीं पहुंच गए, लेकिन टाइम हो गए 5:00 बज चुके हैं। अभी यहाँ वो जो अंकल थे जिन्होंने सवेरे अपने को ये सब खोल के दिया, उन्हीं से फिट करवाते हैं, और फिर बाइक लेके बाहर निकलेंगे और आपको दिखाएंगे सुंदरनगर के सुंदर सुंदर नज़ारे। ठीक, अपनी रेडी हो गई है, लॉक खुल गया है, ये वाली की काम कर रही है, अभी स्टार्ट खड़ी है, देखिए
यहाँ कहते हैं 6 बजे अंधेरा हो जाता है, तो अपने जल्दी से रूम वो सेम ही रखते हैं, सामान वगैरह उसमें वापस रखते हैं और फिर थोड़ा सा सुंदर नगर की शेयर करने के लिए निकलेंगे। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कहावत तो सबने सुनी होगी, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अपने साथ ऐसा ही हुआ कि आज सब जगह धक्के खा लिए, सब कुछ कर लिया, उसके बाद चाबी खो गई। सवेरे पहले गया ऑटो में घुमा इधर उधर, 300-400 रुपए का खर्चा आया। उसके बाद मैं मैकेनिक के पास गया एक दो जगह, कुछ सॉल्यूशन नहीं। उसके बाद मैं बस पकड़ के जाता हूँ यहाँ से मंडी से चाबियां बनवा के लाता हूँ, चाबियां लेके वापस आता हूँ। इतना परेशान होता हूँ, परेशान भी होना, और उसके बाद में चाबी वाले के भी कुछ पैसे दिए, मतलब 300-400 रुपए उनको दिए। उसके बाद में जो मैकेनिक था उसको भी दिए। अब जाके पता लगा है चाबी कहाँ है, क्या हो रहा है। ये जो मेरी आपको राइडिंग पैंट दिख रही है ना, ये अब इस पॉकेट में जो भी सामान डाल रहा हूं ना, इसमें है इतना बड़ा छेद। देखो सारा कुछ ना कहां जा रहा है, सारा कुछ भैया यहां इकट्ठा हो गया इस पैंट में। ये रही वो वाली चाबी, ये मेरे को कैसे पता लगा कि इसमें छेद है, क्यों ये जो नई कीज बनाई है ना, इनमें से एक कीज अभी अभी इसी पैंट में डाली थी, इसी पॉकेट में, और एक गायब हो गई। और अभी जस्ट मैंने जैसे हाथ उत मार के नीचे चेक करने गया ना, तो नहीं मिली। और फिर मैंने ना ढंग से पैंट चेक की, तो देखो यार ये सब कुछ कलेक्शन पड़ा, इस पैंट में पैसे डाले पैसे पड़े हैं और बहुत सारी चीजें पड़ी है। इससे बुरा दिन जिंदगी में कभी कुछ ना कुछ आया। ओ माय गॉड, आज मनाली होता इतना परेशान नहीं होता, बसों में धक्के नहीं खाने पड़ते, और इतना देखो बेवजह का 1000 रुपए प्लस ही खर्चा हो गया। चलो खर्चे की तो कोई बात नहीं, लेकिन अफसोस ये है कि अब तक मनाली पहुंच गए होते यार, और ट्रिप में एक दिन डिले हो गया सिर्फ और सिर्फ इस पैंट की वजह से। छोटी सी भूल बहुत भारी पड़ गई यार, बहुत ही भारी। चलो अब अफसोस नहीं करते हैं, आपको थोड़ा सा सुंदर नगर की शेयर कराता हूँ। तो ये खड़ी अपनी बाइक अभी इस नई वाली चाबी से चलाते हैं, क्या करें, कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। आप सबको थोड़ा सा सुंदर नगर दिखा के आता हूँ। हेलो, देखा आपने यूट्यूब चैनल देखा क्या? अच्छा, चलोगे लद्दाख साथ में? क्या इंजीनियरिंग? अच्छा, व्यू दिखता पूरे शहर का, कितना ऊंचा है यहाँ से? अच्छा ऊपर जाके आना, तो मनाली था पर रहे सुंदर नगर में गए, सुंदर नगर वालों ने अपने को रोक लिया, आगे तो ट्रैवल कर ही नहीं पाएंगे, आगे क्या है मंडी तक ही जा सकता है घर। लेकिन मैंने कहा चलो यहीं स्टे कर लेते, कल मनाली करेंगे और मनाली से जस्ट अगले दिन निकल जाएंगे। वैसे तो मेरा 2 दिन मनाली रुकने का प्लान था, लेकिन अब मनाली नहीं रुकेंगे, अब अपने आगे निकल जाएंगे, चाहे केलोंग रुकें, जिस्पा रुकें या सारचू रुकें, वो अपने देख लेंगे आगे चल के। क्या शाम के टाइम में थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाता है, लेकिन बाइक वालों के लिए इतना सही नहीं है रात में ट्रैवल करना, लेकिन अगर कार वाले हैं, कार से ट्रैवल करना, तो रात में भाई सड़क बिल्कुल खाली होती है, लेकिन आप नेचर को ढंग से देख नहीं पाओगे रात में जाओगे तो। मैं चाहे कितना भी जल्दबाजी कर लूँ, कितना भी कुछ कर लूँ यार, गलती इंसान से होती है मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ना चीज़ों का कुछ ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, जहाँ तक मेरे को लगता है मैं ना चीज़ों का एक्स्ट्रा ख्याल रखता हूँ, तो उस अकॉर्डिंग चाबी खोना मेरे को बहुत बड़ा धोखा, मगर ऐसा हो नहीं सकता। और कैमरा में चेक किया तब भी ऐसा था कि ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा था कि मैंने चाबी कहीं, कैमरे में कोई आइडिया नहीं लगा कि की कहाँ है। बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ से, थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं ना, जैसे ऊपर जाते हैं तो कान बंद हो जाते हैं, नीचे आते हैं तो कान खुलते हैं, ऐसे कान में सुनना ज़्यादा हो जाता है, एक बार थोड़ा सा कम सुनने लग जाता है। ये तो थोड़ी सी हाइट है, जैसे अपने लद्दाख साइड जाएंगे तो मुझे लगता है कान छोटो सब कुछ बंद हो जाएगा। यार मेरे को किसी ने बताया ऊपर से एक व्यू आता है अच्छा पूरे इसका, हाँ पीछे कितना पीछे रह गए? हाँ अच्छा अच्छा, फिर मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ। हाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है वो पीछे, है कितना आगे? अरे भैया ठीक है, ओके कोई नहीं, ठीक है थैंक यू। 4 किलोमीटर आगे आ गया हूँ मैं उस कट को ढूंढता, और ये कहते वो कट तो भैया बहुत पीछे रह गया, अब अपने को उधर जाने वाला कट कहाँ मिलेगा, ये भी प्रॉब्लम। और मेरा तो ना हिमाचल में इतना मन लग गया है, मन कर रहा है यहीं कहीं ना शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ के कुछ रूल्स है शायद मेरे को कन्फर्म नहीं है, शायद यहाँ का कोई रूल है कि आपको यहाँ पे होटल वगैरह करते हैं तो ही शायद यहाँ पे रह सकते हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए, या यहाँ की लड़की से शादी करनी पड़ती है, पता नहीं ऐसा कुछ है। I really don't know about it, मेरे को सुनी सुनाई बात है ये। जहाँ स्टे किया हो ना उसके बाद में ऐसे हिडन प्लेसेस खोजते हो ना, कोई हिडन जगह इस जगह की, जैसे भी सुंदर नगर के बारे में हाँ लोगों ने मार्केट दिखा दी होगी, ब्लॉगर दिखाई देते हैं,
तो ऐसे हिडन प्लेसेस कम लोग दिखा पाते हैं, दिखाते होंगे ये भी दिखाते हैं लेकिन कम लोग, ये सिर्फ लोकल को ही पता होता है कि कहाँ क्या है। तो अपने को वो लोकल मिले बंदे, उस बच्चे ने बड़ी अच्छी बात बोली कि अब ऊपर जाओ। चल ठीक है, थैंक यू। तो थोड़ा सा गार्ड साहब पूछते हैं लेकिन कॉलेज का बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो ऊपर। और ये वाली रोड है, मैंने जितना उधर गया ना उससे बढ़िया इधर आता यार, इधर का नेक्स्ट लेवल ही एडवेंचर है। और अभी आप देख सकते हैं अपने पहाड़ी से ऊपर बढ़ रहे हैं, पिटबुल वो भी इतना खतरनाक, वाह अमेरिकन पिटबुल है या कौन सा है। कॉलेज है लेकिन अपने को इधर ऊपर जाना है शायद, ऑफ रोडिंग इधर होगी। ये तो बिल्कुल ही ऑफ रोड पैच आ गया, खतरनाक रास्ते हैं इधर तो और भी ज़्यादा। अब इधर जाना है किधर जाना है ये बिल्कुल नहीं पता। अरे यहाँ से तो बंद है, नहीं नहीं रास्ता तो है रास्ता है लेकिन ऑफ रोडिंग है, तकड़े वाली ऑफ रोडिंग है, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा क्योंकि ये कोई प्रॉपर रोड नहीं बनी हुई है, ठीक ठाक सी है लेकिन इसी चीज़ का तो मज़ा है। देखो जी, देखो जनाब दीप, और रास्ता बहुत खतरनाक है, बाइक की बैंड बज गई, ये बैंड, अरे जी, अरे 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 अरे। चलो थोड़ा देख लेते हैं ऊपर चढ़ के, मेरे ख्याल से तो ऊपर सड़क ही नहीं है ढंग की। अरे बाबा बहुत ही डेंजरस रोड है वर है ये तो, व्यू ढूंढने के चक्कर में। चलो छोड़ो इस चीज़ को, तो ये देखिए अपने पहुँचे हुए, देखिए अपना घोड़ा कहाँ पहुँच गया है, और इधर ये शहर है, इधर अपनी बाइक है। यहाँ से तो छोटी रोड इतनी है कि मोड़ना भी मुश्किल है क्योंकि कब थोड़ा डलाना हो जाए पता ही नहीं है, क्योंकि अभी तो रोड तैयार ही नहीं है ये। चलो जी नीचे जा रहे हैं अभी अपने वापस, और मैं भी यहाँ से इतना कुछ व्यू नहीं है, जो व्यू है वो शायद कहीं और से है, अब मेरे को ये नहीं पता एग्जैक्टली कि किधर से है। यहाँ से चढ़ना जितना मुश्किल था ना, उतरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बिल्कुल खड़े सी चढ़ाई थी। अभी आप यहाँ से देख सकते हैं सुंदर नगर का पूरा शहर दिख रहा है लेकिन राइट साइड का ही, लेफ्ट साइड का यहाँ से व्यू नहीं है, उसका व्यू थोड़ा दूसरे डायरेक्शन से है। तो यहाँ से दिख रहा है पूरा व्यू, ऊपर जा जा के अपने को ये सारा व्यू यहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में ही देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ से पीछे की साइड में पूरा व्यू है, और इसका दूसरी साइड का व्यू थोड़ा सा आगे चल के है, पतले पतले से रास्ते बने हैं जो दूर से सीढ़ी नुमा खेती सी लगती है ना, ये वो चीज़ है भैया जो अपने मेन रोड से देखते हैं ना, रोडों से देखते हैं, जो अपने को रोड से दिखते हैं ना वो देखो रोड कितनी नीची है, और जो दूर से अपने को दिखते हैं भाई सीढ़ी नुमा खेत बोला जाता है ना, वो कुछ इसी तरीके के होते हैं। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ से पूरा सिटी का व्यू दिखता है, तो पैदल ही जा सकते हो, व्हीकल तो नहीं जाएगा, और नीचे के साइड में तो बहुत नीचा है, एडवेंचर। ऊपर चढ़ना थोड़ा मुश्किल टास्क है, आप आराम से चढ़ सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहाड़ ऐसे लगते हैं दूर से खतरनाक, लेकिन हाँ ऊपर आप आराम से चढ़ सकते हो, बस बारिश के मौसम में बताना पैर फिसल सकता है ऐसी जगहों पे। ओ लो जी लो, जो नीचे से लग रहा था ना पहाड़, अपने चढ़ गए जी पहाड़ के बिल्कुल ऊपर टॉप पे। देयर इज टू मच रिस्की, ये देखो कितना रिस्की रास्ता है, ये वहाँ कहीं से जाके व्यू दिखेगा लेकिन आगे बहुत बड़ी झाड़ियाँ, जानवर हो सकते हैं। यह है सुंदर नगर, और देखो पूरे माउंटेन रेंज बादलों से छा चुके हैं, बादल छा चुके हैं, देखिए यहाँ से पूरे इस पहाड़ी के माउंटेन रेंज दिख रही है, और बादलों से ढक चुका है सब कुछ। और इधर आगे सुंदर नगर, और ये देखिए झील है यहाँ से, यही अभी है व्यू पॉइंट है। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ऊपर तो घास फूस है बहुत बड़ा बड़ा, और मैं खड़ा हूँ एग्जैक्टली यहाँ पे, और देखिए नज़ारे क्या बात है, इतनी शांति है ना यहाँ पे पूछो ही मत भैया। और वो देखिए बादल पहाड़ के बिल्कुल ऊपर नीचे से उठ रहे हैं ऊपर की ओर, ज़्यादा नहीं हिलेंगे भैया, अगर यहाँ से गिरे तो सीधा जाके वो छतें दिख रही है, वहाँ जाके नीचे रोड है। अभी अपने यहाँ चढ़ के आए हुए हैं तो यहाँ से चलते हैं अभी वापस नीचे की ओर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो हमें सब वीडियो को प्यार दें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हाँ इस एडवेंचर के लिए तो लाइक शेयर कॉमेंट बनता है, बूम।